देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रत्येक नागरिक से अपने घरों में प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराए जाने के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। इस अभियान को लेकर आलोट अनुविभागीय अधिकारी सुनील जायसवाल ने आलोट क्षेत्र के पत्रकारों, व्यापारी एवं पार्षद गणों की एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। अतः हर व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर बड़ा तिरंगा लगाए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को एक त्यौहार के रूप में हम मनाएं। इसके लिए हर घर में तिरंगा लगे, सभी एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाएं। इस अभियान की जागरूकता के लिए एक दिन पूर्व 12 अगस्त को स्कूल के छात्र के साथ सभी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ एक रैली निकाली जाएगी, जो सुबह 8 बजे अंबेडकर भवन से प्रारंभ होगी और मुख्य बाजार होकर कन्याशाला पर समापन होगा। इसमें भी सभी सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि सम्मिलित होकर इस आयोजन को सहभागी बने। शासन द्वारा आपको राष्ट्रीय ध्वज 25 रुपये के शुल्क पर उपलब्ध कराया जाएगा। आलोट का पूरा क्षेत्र तिरंगामय हो, इसके लिए सभी को प्रयास करना है। इस उपस्थिति पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान करी। कार्यक्रम को लेके शासन के द्वारा जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं वो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक का हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हर घर में तिरंगा फहराया जाना है। इस हेतु नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद, नगर पंचायत को झंडे उपलब्ध करवाने का दायित्व सौंपा गया है, तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों तक हर घर में झंडा उपलब्ध हो, इसके लिए जनपद पंचायत को दायित्व सौंपा गया है। जिन भी घर में तिरंगा की आवश्यकता रहेगी वो उसकी उपलब्धता ये यहाँ से ये उपलब्ध करवाएंगे। ख़ास तौर पर नगरीय क्षेत्र में सीएमओ मैडम से भी मेरी चर्चा हुई थी कि हर वार्ड में यदि उपलब्ध सब सेंटर के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तो वहाँ के नागरिकों को भी वहाँ से उपलब्ध मतलब प्राप्त करने में सुविधा हो। हर घर तिरंगा का जो अभियान है वो मध्य प्रदेश शासन का राष्ट्रीय पर्व मनाने से संबंधित हर घर में तिरंगा फहराया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य है। तथा राष्ट्रीय पर्व जैसे हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है, जिस प्रकार हमारे भारतवर्ष में दीपावली, दशहरा और अन्य धार्मिक त्यौहार जोर शोर से मनाया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय पर्व भी हमें जोश से मनाया जाए, जिसमें कि हर घर तिरंगा में सभी नागरिकों में एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो तथा उसका सम्मान हो और हर घर में तिरंगा फहराया जाए। यही मेरी आप सभी से अनुरोध है, अपील है। सर, इसका कार्यक्रम